जितने ने वीक में देखा है, कितने कितने लोगों ने क्या क्या उसके बारे में पॉजिटिव फीडबैक गए हैं, क्या क्या नेगेटिव फीडबैक है। तो फ्रॉम, जल्दी कीजिए, फ्रॉम मेन वेबसाइट के साथ साथ माइक्रो साइट्स भी बना लेती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने जाना कि उसके पास ज्यादातर कस्टमर्स ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, उसको चेक नहीं कर पा रहे, तो फर्म ने क्या किया, एक माइक्रो साइट बनाई और वो सेकेंड हैंड कार डीलर की जो कोई वेबसाइट थी उसके साथ अटैच कर दिया। राइट, कि भाई इफ यू वांट टू परचेज सेकेंड हैंड कार और आपको अगर इंश्योरेंस करवाना है या आपको अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो वो आपके साइट में लिंक आ गया, यू कैन लिंक दैट आल्सो। सो दैट मींस हमेशा ऐसा भी होता है कि फ्रॉम मेन वेबसाइट के साथ सर्टेन माइक्रो साइट्स भी रख सकती हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, और कुछ एक फ्रॉम इसको अडॉप्ट भी कर रही है। दूसरा पॉइंट आता है सर्च एडवर्टीजमेंट्स का। सर्च एडवर्टीजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इसे अपन बोलते हैं पे पर क्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, इसे अपन बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट, SEO। ये दोनों पॉइंट अलग हैं, वैसे मैं आपको बताता हूं। पे पर क्लिक का मतलब है जब भी हमने डाला बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, उसमें ऊपर मेन जो रिसर्च, मतलब जो रिसर्च होके आया उसके ऊपर कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने हुए आ गए, उसमें आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नेम दिखाई दिए, उसमें मान लीजिए ग्लोबल टीचर एकेडमी का भी नाम दिखाई दिया, नीचे उसमें एक मैप बना हुआ है, अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं। वो कैसे किया गया है,